भाई अभी अभी मैंने अपनी प्रोफाइल पर वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो मनोज तिवारी जी की प्रेजेंस में हमने अंदर सौंपी थी वो डाल दी है, उसको देख लो। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरे को यहाँ भाइयों ने मिलकर भेजा था, सारे टीचर्स ने मिलकर भेजा था, जिसने भी भेजा था आपकी सहमति से गया था। मेरे बारे में जो ये बात बोली जा रही है बार 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 कि ये पास्ट में बजरंग दल से है, पास्ट में VHP से है, पास्ट में ये है, पहले ये था, पिछले 5 दिनों में मैंने अगर इस प्रोटेस्ट के अलावा कोई बात कही गई है तो मुझे बताइए। मैं भी 5 दिनों से आपके साथ यहीं पड़ा हुआ हूँ, मुझे ये बता दो कि मैंने 5 दिनों में और क्या बात कही है। पिछले 5 दिनों में मैंने यहाँ पर, आप सबने मुझे डंके की चोट में भी देखा है, मैंने ABBP और RSS के अगेंस्ट में वहां उनकी बोलती बंद करी थी या नहीं करी थी, मुझे सिर्फ इतना बता दो। हमारे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो भी था मैंने उसको बोली थी या नहीं बोली थी, मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई, सिर्फ इतना। रही बात डिमांड की, भाई डिमांड हमारी क्या थी ये आप सब लोग पढ़ सकते हैं, भाई बिल्कुल देख लो। और उन्होंने ये जा क्या भेजा है नोटिस, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में। मैं बिल्कुल मान रहा हूं इस बात को, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा भाई। नाराज नहीं हो रहा जो आप कह रहे हो भाई, नाराज मत हो, नाराज मत हो भाई, नाराज नहीं हो रहा। मैं भी तो 5 दिन से यहीं बैठा हूं आपके साथ। ये भाई जो लिख रहे हैं कि 2 लाख रुपए में तेरी सीट फिक्स हो गई है, भाई भगवान करे कि मेरी सीट फिक्स हो जाए लेकिन पैसे से ना होए। हाँ ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ABBP का लीडर वहां क्या कर रहा था, हमने नहीं बुलाया भाई, हमने बिल्कुल नहीं बुलाया, हमें खुद नहीं पता था कि वो अंदर हमसे पहले से बैठे हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था। सब मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ 6 लोग थे हम टोटल, नेहा मेरे साथ बैठी है। नेहा क्या हमें ABBP का कुछ पता था? ABBP से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे साथ बंदा गया भी नहीं था, पर वहाँ कैसे मौजूद था इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और जो लोग प्लीज ये कह रहे हैं 27 से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ रुक रहे हैं, मैं रात को 12 बारह बजे मैं घर पहुँच रही हूँ, और मेरी बहुत सारी बहनें यूपी बिहार से जो आई हुई हैं रात को सड़कों पर रुक रही हैं। आप इतने गलत एलिगेशंस मत लगाइए, अभी हमें पता है कि हम पे यहाँ पे कितना प्रेशर है। हमें डायरेक्ट मुझसे ये पूछा जाता है कि कितने में बिक गई तुम अंदर। ये लड़की से बात करने का तरीका है भाई आपका, कि लड़की कितनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हो यार। वो हमसे डायरेक्ट जो चेयरमैन कैसे सवाल पूछता है कि 40 लाख तुम क्या ताल ठोक के में क्या बोल रहे थे, 40 लाख बताओ कौन लेता है भाई। जो आप कह रहे हो कि मैंने टायर 2 की बात की, भाई मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है वो लेटर पढ़ लो, उसमें CHSL MTS कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सब की बात की गई है, पढ़ तो लो। आप मेमोरेंडम को अच्छे से देखिए जो हमने सबमिट किया है, उसमें सारे आपके पॉइंट्स रखे हुए हैं, हमारा एक भी पॉइंट नहीं है, अपना पर्सनल कोई पॉइंट नहीं रखा है, सबके जो थे सबको हमने पर्सनल की बात मैं बताता हूँ भाई। जिस डिमांड के लिए हम लोग 27 तारीख को मैं या नेहा या 2-4 हम लोग आए थे ना, वो डिमांड तो हमने रखी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन हम ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं वो कम वहाँ पे दिखे हैं। उसके लिए हॉटलाइन नंबर की हमने सिर्फ बता दिया, 34 डिमांड आप पढ़ सकते हो। MTS वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, MTS की बात हमने वहाँ पे खुराना सर के आगे MTS की बात बोली गई है, उसने कहा है वी विल लुक इनटू, पहले हम लीकेज की बात तो करें, जब वो लीकेज पे ही रेडी हो रहे थे पहले तो लीकेज पे रेडी करना था ना। जो ये कह रहे हैं हार मत मानना भाई, जब अब तक नहीं मानी अब क्या मानूंगा। CBI चलिए आप कह रहे हैं हार मत मानिए, सुनिए ठीक है, हम हार नहीं मानते, हम हार नहीं मान रहे हैं, पर एक बार बताइए वहाँ पे खड़ा होना तक हमारा दुश्वार कर रखा है लोगों ने, खड़ा होना तक दुश्वार कर रखा है, चढ़ जाते हैं बिल्कुल कि क्या भाई, बात कर। मैं सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ साइड में बैठा हूँ, मैं बिल्कुल बता दूँ वहाँ ये बात हो रही है, इसने धोखा दे दिया, मारो इसे। इस बहन के साथ यार क्या तुम बहनों के साथ ऐसी बात कहोगे यार, ये क्या तरीके हैं कि वहाँ पे लोग हमसे पूछते हैं रेट क्या है, तुम्हें क्या गंदी लैंग्वेज है यार ये रेट। मेरा एग्जाम का रोल नंबर भाई वो भी अपडेट कर दूंगा अभी, चिंता हाँ, ना करो। और मैं भी कर दूंगी, आप अच्छे से देख लेना, मैं एग्जामिनर बनूंगी तो मेरे घर में मिठाई का डब्बा लेके जरूर आइएगा। और मेरा तो भाई मैं क्या कहूँ, 54 क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट हुए, मीन्स में मेरे तो मुश्किल है क्लियर करना, तो साफ बात कह रहा हूँ भाई। मुझे ये बता दो, जो ये बड़े भाई सारे ये बोल रहे हैं कि तू BJP का है, तू इसका है, तू उसका है, ताल ठोक के में सबसे ज्यादा ABBP की बेइज्जती अगर मैंने ना करी हो तो मेरा नाम पूर्वेश नहीं है। करी थी या नहीं करी थी ये बताओ। मेरे पास्ट में मैं क्या था, मैं उसे डिनाई बिल्कुल कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ मैं था,
था अब कोई कितना एंटी होता होगा उससे ज्यादा मैं एंटी हूँ। एक मिनट और ये बात आपने देख ली होगी। हाँ एक सेकंड इधर प्रवेश। हाँ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, अगर सही हो तो सामने आओ। सर घर नहीं गए हैं अभी घर नहीं गए हैं, यही हैं, बैठे रहेंगे। आप बिल्कुल ये मत सोचो हम डरे हैं, पर कुछ सिक्योरिटी पर्पज से हमें सलाह दी गई है कि थोड़ी देर यहाँ रहिए। हम अभी घर नहीं गए हैं और ना ऐसे जाएंगे, हार नहीं मान रहे हैं हम, ना डरे बैठे हैं। भाई हमारे साथ धोखा हुआ है ये तो हम भी मान रहे हैं। ये देखिए जो नोटिस आया है, नोटिस में मैं पढ़कर सुना देता हूँ। सीबीआई इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पेपर ऑन 21 एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। अदर रिलेटेड इश्यू क्या थे ये तो बता दो भाई मेरे। एक मिनट भाइयों, मैं एक मिनट ऑफलाइन जाना पड़ेगा, मेरे लगातार चार बार ऐसे कॉल आ गया है, उनको भी मेरी चिंता। चीज बस मैं एक चीज कह दूं, अगर किसी को लगता है कि हमने 21-21 का जिक्र किया हो, ना तो पूर्वेश पेपर 21 को था, ना मेरा पेपर 21 को था, ठीक है। और हमारा रोल नंबर वगैरह सब निकाल सकते हैं, मेरा नाम नहीं। बाय बाय बाय।